इस वीडियो में हम वेक्टर बॉन्ड डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे वेक्टर बॉन्ड डिजीजेस को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेक्टर्स क्या होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं वेक्टर्स आर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स दैट कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शियस पैथोजन बिटवीन ह्यूमन्स और फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन वेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी इन्फेक्शियस पैथोजन को ट्रांसमिट करने का काम या स्प्रेड करने का काम करते हैं ह्यूमंस के बीच में या फिर एनिमल्स से ह्यूमन के बीच में जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने मलेरिया डिजीज के बारे में पढ़ा था मलेरिया डिजीज़ का वेक्टर होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो तो ये मॉस्कीटो जब भी किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगी इन्फेक्टेड पर्सन इन द सेंस मीन्स उसको पहले से ही मलेरिया डिजीज़ होगी उस पर्सन को काटेगी फिर एक हेल्दी पर्सन को काटेगी तो इस तरह से जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो है वो एज अ वक्टर रोल प्ले करें गी और इन्फेक्टेड पर्सन है उस पैरासाइट को मलेरियल पैरासाइट को जो कि प्लाज्मोडियम होता है वो किसी एक हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट करेगी तो इस तरह से वैक्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो डिजीज को आगे पास ऑन करते हैं या स्प्रेड करते हैं देन मैनी ऑफ दीज वैक्टर्स आर ब्लड सेकिंग इसेक्ट मैक्सम वैक्टर्स ब्लड सेकिंग इन्सेक्ट भी हो सकते हैं जैसे कि मलेरिया के केस में मॉस्कीटो है तो वो ब्लड सेकिंग है विच इन्जस्ट द डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेजम ड्यूरिंग ब्लड मील फ्रॉम द इन्फेक्टेड होस्ट जैसे कि हमने मलेरिया में पढ़ रखा है कि जब भी वो अपना ब्लड मील लेंगे यानी जब ब्लड को वो सक करेंगे क्योंकि ब्लड सेकिंग इन्सेक्ट मैक्मम वैक्टर्स होते हैं ब्लड सक करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम भी सक हो जाएगा इन्फेक्टेड होस्ट से फिर वो किसी न्यू होस्ट में जाकर उसको ट्रांसमिट कर देते हैं ये हो गया वैक्टर्स के बारे में अब वैक्टरबॉन्न डिजीजेस क्या होती हैं जैसा कि हमने बैट क्टीरियल डिजीजेस पढ़ रखी हैं ऐसी डिजीज जो बैक्टीरिया द्वारा फैलाई जाती हूँ या कॉज की जाती हूँ वो बैक्टीरियल डिजीजेस होती हैं वायरल डिजीजेस होती हैं कुछ एयर बॉन्ड डिजीजेस भी होती हैं जो हवा के माध्यम से फैलें वो एयर बॉन्ड डिजीजेस फूड बॉन्ड डिजीजेस भी होती हैं वाटर बॉन्ड डिजीजेस भी होती हैं यानी जो पानी के माध्यम से फैलें वाटर बॉन्ड डिजीजेस वैसे ही हम वक्टर बॉन्ड डिजीजेस पढ़ते हैं यानी जो वैक्टर आगे पास ऑन करते हैं मेनली जो डिजीज़ के वैक्टर्स होते हैं उन्हें हम बॉन्ड डिजीजेस की कैटेगरी में रखते हैं बॉन्ड डिजीजेस आर ह्यूमन इनलिस कॉज्ड बाय पैरासाइट्स वायरसेस एंड बैक्टीरिया दैट आर ट्रांसमिटेड बाई वेक्टर्स यानी ये बैक्टीरिया से होने वाली वायरसेस और पैरासाइट से होने वाली कुछ बीमारियाँ होती हैं कुछ इलनेस होते हैं जो कि वेक्टर द्वारा ट्रांसमिट की जाती हैं तो कुछ सर्टन डिजीजेस देख लेते हैं डिजीजेस सच एज मलेरिया डेंगू ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस लेहिशमैनियासिस शगास डिजीज येलो फीवर एंड एन जापानीज एनसेफलाइटिस तो ये कुछ सर्टन डिजीजेज़ हैं जो वैक्टर के माध्यम से फैलती हैं फिर देख लेते हैं कुछ वैक्टरबॉर्न डिजीजेज़ और उनके जो वैक्टर्स हैं मॉस्कीटो की अगर बात करें तो मॉस्कीटोज भी मैक्सिमम वैक्टर्स होते हैं तो एडीज़ मॉस्कीटो जो होता है ये कितनी डिजीजेज़ का वैक्टर है चिकनगोनिया का डेंगू का लिम्फ़ैटिक फाइलेरियासिस का येलो फीवर का और जीका फीवर जो होता है इतनी डिजीजेस का जो वैक्टर है वो एडीज़ मॉस्कीटो होता है नेक्स्ट देख लेते हैं मॉस्कीटो एनोफिलीज एनोफिलीज मॉस्कीटो जो होता है ये किन डिजीजेस का वैक्टर है लिम्फ़ैटिक फाइलेरियासिस का और मलेरिया का

लेकिन स्ट्रिपेनोसोमियासिस इस नाम से भी जाना जाता है स्लीपिंग सिकनेस को और ये डिजीज़ जो है वो सेसे फ्लाई द्वारा आगे ट्रांसमिट की जाती है इस पर भी स्लीपिंग सिकनेस पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो इस सेसे फ्लाई द्वारा आगे ट्रांसमिट की जाएगी आप कुछ प्रिवेंशन देख लेते हैं कि बॉर्न डिजीजेस के अगेंस्ट हम कौन से प्रिवेंशन ले सकते हैं फर्स्ट है डू नॉट लेट द स्टेगनेट वाटर एक्यूमेलेट इन द सराउंडिंग हमें स्टैगनेंट वाटर यानी ठहरा हुआ पानी कहीं भी एक्यूमलेट करके जमा करके नहीं रखना है जिससे कि जो मॉस्कीटोज होते हैं वो अपने एग वहाँ पर ले करें उनके लार्वा डेवलप करें और नए मॉस्कीटोज बने तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें स्टैगनेट वाटर को रिमूव करते रहना चाहिए यूज द डिस इन्फेक्टेंट टू कंट्रोल द इन्फेक्शन और जितने भी डिस इन्फेक्टेंट्स आते हैं मार्केट में उनका इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि जितने भी इंफेक्शन पेस्ट होते हैं उन्हें हम रोक सकते हैं देन वैक्सीन शुड बी डेवलप्ड फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग वायरसेस जितने भी डिजीजेज हैं जो वायरस द्वारा कॉज की जाती है उसके अगेंस्ट जो प्रॉपर वैक्सीन्स हैं उन वैक्सीन्स को डेवलप मतलब यूज़ करना चाहिए इंसेक्ट रेपेलेंट्स आते हैं जैसा कि डी ई टी एंड कैन बी अपलाई टू द स्किन एंड क्लोथ स्किन और क्लोथ्स पे कुछ इंसेक्ट के रेपेलेंट्स भी यूज किए जा सकते हैं या मॉस्कीटो के रेपेलेंट्स जो आते हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं जैसे कि हमें मॉस्कीटो जिन जिन बीमारियों का वैक्टर है तो हमें पर्टिकुलर वो बीमारियां भी नहीं होंगी देन यूज़ नेट वाइल्ड स्लीपिंग टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मॉस्कीटोज हम नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि मॉस्कीटोज से हम बचे रहेंगे देन वॉश एंड ड्राई क्लोथ्स आफ्टर एन आउटडोर विजिट फॉर लॉन्ग टाइम जब भी कहीं बाहर जाते हैं जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा प्रोन एरिया होगा तो हमें अपने क्लॉथ्स को बहुत ही प्रॉपरली वॉश करना चाहिए पर्सनल हाइजीनिक रखना चाहिए जिससे कि काफ़ी तरह से हम इन सभी बीमारियों से वैक्टेबोन डिजीजे से अपने आप को प्रिवेंट